नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, हीरे से भी कीमती चीज हाथ लगेगी। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, यह खुशखबरी सबको पागल करके रख देगी, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह संयोगों का निर्माण होने जा रही है जिससे कि आप सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ, और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। दोस्तों आइए जानते हैं कौन कौन सी बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली है और किन किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। इसके साथ ही दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व स्टूडेंट लाइफ के लिए समय कैसा रहेगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि आज का दिन बने सबसे खास। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को एक लाइक प्रदान करके सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्य महाराज जरूर लिखें। भगवान श्री सूर्य महाराज का आशीर्वाद आपके आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। दोस्तों यह समय आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा और राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों की मान व प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपको अपने ससुराल पक्ष के धन लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपका बाजार में फंसा हुआ धन बड़ी आसानी से मिल सकता है और इससे आपका दिनचर्या काफ़ी बेहतर बनेगा। साथ ही दोस्तों विद्यार्थी गुरुओं के प्रति निष्ठाभाव भी रखेंगे और भक्ति में डूबे रहेंगे। इसके उपरांत आपके जो समय होंगे, आपकी कोई लंबे समय से चली आ रही लेन देन की समस्या समाप्त होगी। जो लोग नौकरी को बदलना चाहती हैं उन्हें कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा और पहले से अधिक धन लाभ कमाने की कामयाब रहेंगे। इसके उपरांत आपके जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे, यह समय परिवार में चल रही कलह भी समाप्त होगी और एक दूसरे के साथ आपका जो है समझौता हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपके जो समय होंगे, यह समय बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने घर परिवार पर ना होने दें, ये आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आपका जो है परिवार और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जिससे पूरी करने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और उसमें सफलता भी आपको अवश्य मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय संयम काल के समय आप अपने मित्रों के साथ अपनी देखी है मंदिर या फिर गुरुद्वार आदि धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ के लिए जा सकती हैं, जो कि आपके लिए उत्तम रहेगा। कुछ समय ईश्वर भक्ति मनन में आप जरूर लगाएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगा और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी ऊर्जा है बाहर निकलेगी। इसके उपरांत जीवन साथी से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, आपको चुपचाप रहना ही बेहतर रहेगा। देखिए शांत रहना और जवाब पे जवाब ना देना ही आपके लिए बड़प्पन हो सकता है और आपको संतान के किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय क्रोध नहीं दिखाना है, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं और बने बनाए काम आपको बिगड़ सकता है। दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपना मार्ग बदलना होगा, अन्यथा आप ऐसे ही रहेंगे और आपका नुकसान होता जाएगा। इसके उपरांत अगर आप किसी को रुपया पैसा दे रहे हैं तो आप बड़े सोच विचार कर के साथ ही दीजिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। इसके उपरांत अगर आप सट्टेबाजी में निवेश करना चाहती हैं तो समय आपका अनुकूल है, आप निवेश कर सकती हैं, आपको उसमें लाभ होगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से
फलदायक रहेगा। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति देखिए आस्था बढ़ेगी और आप गरीबों की सेवा व जरूरतमंदों पर कुछ धन की व्यय भी करेंगे, जो कि आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके घर किसी मित्र व रिश्तेदार का आगमन हो सकता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे में कुछ कार्य आपका जो है स्थगित हो सकता है, लेकिन आपको अपने कार्यों के प्रति सावधान और सतर्क रहना होगा, ये आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत संपत्ति से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है, जो कि मन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। लेकिन आपको किसी व्यक्ति के कहने में आकर अपने धन का निवेश करने से बचना होगा। सोच विचार जरूर करें, उसके बाद ही उस पर धन का निवेश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका वह धन फंस सकता है। विदेश से आयात निर्यात का व्यवसाय कर रहे लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपकी सुख व समृद्धि में वृद्धि लेकर आएगा। आपके परिवार का माहौल सुखमय बना रहेगा। आप किसी नई योजना में धन लगाने में सोच विचार करेंगे और आपको उसका लाभ भी मिल सकता है। इसके उपरांत माताजी की सेहत में यदि कोई गिरावट चल रही थी तो वह उनके कष्टों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, उसका ध्यान रखें और उसके लिए आप भाग दौड़ में थोड़ा लगे रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कोई मन की इच्छा आपकी पूरी होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी होगा। साथ साथ घर के परिवार भी खुश रहेंगे। आपको नौकर चाकरों का भी भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई दे रही है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि इस समय सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को महिला मित्र से अभी सावधान रहना होगा, नहीं तो वह उनके कार्य में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यह समय आपके लिए मध्यम रूप से कुल मिलाकर फलदायक रहने वाला है और आप अपनी आलस्य को त्याग कर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय रहेंगे और अपने रुके हुए कार्य को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, आपका सुंदर स्त्री व अन्य किसी चीज़ पर मन आ सकता है, जिसकी खरीद भी आप करेंगे, लेकिन आपको अपने खान पान की आदत में काफ़ी ज़्यादा सुधार लाना होगा, क्योंकि आप अपने दिनचर्या में कुछ लापरवाही कर रहे हैं जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ रही है। इसके उपरांत आपको बताना चाहेंगे, यह समय आपको सिर दर्द, बदन दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग अधिकारियों के व्यवहार से परेशान रहेंगे, लेकिन इनका समाधान परेशान होना नहीं है। आपको शांति बनाए रखना होगा। संतान को कोई अच्छी नौकरी मिलने से उनके करियर के प्रति चिंता समाप्त होगी और आपका काफ़ी मन भी प्रसन्न होगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर।